देखिए, कांग्रेस के सचिन पायलट की जनसंघर्ष पद यात्रा आज जयपुर में खत्म हो रही है और थोड़ी देर में वो जयपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। 5 दिन पहले पायलट ने अजमेर से यात्रा की शुरुआत की थी और भारी गर्मी के बावजूद सचिन पायलट के साथ भारी संख्या में उनके सपोर्टर समर्थक वो मौजूद, उनकी काफी अच्छी खासी तादाद, भारी भीड़। अब सबकी निगाहें जयपुर में पायलट के संबोधन पर ही टिकी हुई है कि वो क्या बोलेंगे आखिर, क्या वो अशोक गहलोत के खिलाफ कोई नया मोर्चा खोलेंगे। और जानने वाली यह भी बात है कि सचिन पायलट गहलोत पर पिछली वसुंधरा सरकार के करप्शन केस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट। 4 दिन पहले उन्होंने ये यात्रा, जनसंघर्ष यात्रा, अजमेर में शुरू की थी, जयपुर पहुंचने वाले हैं। सचिन, 4 दिन पहले ये यात्रा शुरू हुई है, अगर अचीवमेंट की बात करें, आपने क्या पाया है इन 4 दिन में? मैंने स्टैंड के अलावा 1 दिन के समय में इस यात्रा का आगाज किया, 9 तारीख को घोषणा करी, 11 तारीख को मैं सड़क पर निकला। जन संघर्ष यात्रा यदि किसी के खिलाफ नहीं है, मुझे लगा कि जो इश्यूज जनता के जहन में है, पब्लिक की आवाज है, वो हमें सुननी चाहिए और जनता के पास बनने की कोशिश करनी चाहिए। नौजवानों के इश्यू, करप्शन के इशू, बहुत लोगों के अंदर जज्बाती इशूज हैं और ये यात्रा में जो समर्थन मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है, मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों को मिल रहा है। इसलिए इस चिलचिलाती गर्मी में शहरों में लोगों के छाले पड़ रहे हैं, चल रहे हैं बुजुर्ग, नौजवान, महिला। मुझे लगता है कि इन इशूज को लोग चाहते हैं टेकअप हो और इस पर कुछ कार्रवाई हो। सचिन, एक बात आपको आपने सत्य कही है, चिलचिलाती धूप है, 45 डिग्री तापमान है, 25 किलोमीटर आप हर दिन चल रहे हैं, अजमेर से शुरू हुए थे, जयपुर पहुंच रहे हैं, सियासी तापमान, जयपुर का सियासी तापमान जब तक जयपुर पहुंचेंगे कैसा लग रहा है? मैं 2-5 दिन गर्मी में चल लूं, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, ये पीड़ा का विषय नहीं है। जिन बच्चों ने 1-2 साल मेहनत करी, जिनके माँ बाप ने पेट काट के उनके ट्यूशन कोचिंग के लिए पैसे खर्च किए, किताबें खरीदी, किराए के मकान में रहे, वो पेपर लिखते हैं, पेपर लीक होता है और फिर पेपर कैंसिल होता है, उनके अरमान में पानी फिरता है, उनपे क्या पीड़ा होती है वो हमें सोचना चाहिए। और उन लोगों को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, उन लोगों को विश्वास दिला सकते हैं कि आगे ऐसा नहीं होगा, जब तक वो उनका जो सिस्टम में व्यवस्था में अगर आस्था खत्म हो जाएगी तो फिर नौजवानों का भविष्य अंधेरे में ढक जाएगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सचिन, मैंने सियासी तापमान की इसीलिए बात की क्योंकि आप कह रहे हैं ये यात्रा किसी की तरफ नहीं है, गहलोत साहब की तरफ नहीं है, पर माना जा रहा है आप बात कर रहे हैं वसुंधरा राजे की, आप बात कर रहे हैं वसुंधरा राजे की, पर आपका निशाना अशोक गहलोत है, निशाना अशोक गहलोत है। मैंने सियासत की बात ही नहीं करी, मैंने कहा जो हम लोगों ने विपक्ष में रहते हुए आरोप लगाए वसुंधरा जी के कार्यकाल में, जमीन घोटाले, शराब घोटाले, भू माफिया, खान घोटाला, उस पर जांच क्यों नहीं कर पा रहे ये समस्या पड़े हैं। 1.5 साल से मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही और अब सफाई देने की वजह नहीं है। 6 महीने में चुनाव है, पब्लिक के बीच में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे।